नमस्कार, मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ एसएम न्यूज में। क्या आपको पता है कि आज के दिन किसका जन्म हुआ था? आज के दिन खास क्यों है? भाई 25 दिसंबर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन 26 दिसंबर क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 26 दिसंबर में एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिनका नाम है उद्धम सिंह। उद्धम सिंह का नाम सुन के कई सारे लोगों के दिमाग में ज़रूर आया होगा कि अरे हाँ, इनका नाम तो हमने सुना है। और कई सारे लोग सोचते होंगे भाई ये कौन है, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इन्हीं सारी पहेलियों को सुलझाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि उद्धम सिंह वह क्रांतिकारी थे जिन्हें भगत सिंह के समान माना जाता था, और ये भगत सिंह के अच्छे दोस्त भी रहे हैं। उद्धम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था। उद्धम सिंह ने भगत सिंह को एक पत्र में अपना एक प्यारा दोस्त बताया है, साथ में उन दोनों की काफ़ी बातें मिलती जुलती भी हैं। उद्धम सिंह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा था? उद्धम सिंह का क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत जो हुई है वो जलियांवाले कांड से हुई है। जलियांवाले बाग का कांड आज पूरे देश में प्रचलित है, सभी जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ था और ये कांड किसके निगरानी में हुआ था। जलियांवाले कांड में जो पंजाब के जनरल थे, जनरल डायल, उनके निगरानी में हुआ था, और उन्होंने ही बताया था कि 370 लोग मर गए हैं और 1200 के करीब लोग घायल हुए हैं। इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने बना के दी थी, लेकिन कई सारे लोगों ने ये दावा किया था ये जो रिपोर्ट है वो गलत है। मरे हुए लोगों की संख्या कम से कम 1000 तो रही होगी, ऐसा इतिहास में लिखा गया है, वह माना गया है कि इतने करीबन के लोग जलियांवाले बाग में मरे थे। जनरल डायल ने इसको गलत बताते हुए अपनी अलग रिपोर्ट जारी कर दी थी। इस जलियांवाले बाग में उद्धम सिंह और भगत सिंह दोनों शामिल थे, और उद्धम सिंह ने इसी जलियांवाले कांड में कसम खाई थी कि वे जनरल डायल को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मृत्यु के तक पहुंचा के जरूर रहेंगे। सूरतों व इतिहास की माने उद्धम सिंह ने जनरल डायल को एक कॉन्फ्रेंस में जाके गोली मार दी। जनरल डायल को दो गोलियां लगी और वो उसी समय वहाँ पे मर गए। कहा जाता है इतिहास में कई बार ऐसी लाइनें सामने आ जाती हैं कि उन्हें इस गोली का शिकार होना पड़ा, लेकिन सही इतिहासकारों की माने तो ये बताया जाता है कि जनरल डायल पे गोली चलाने का सिर्फ एक मकसद था, वो था ब्रिटिश सरकार के अंदर क्रांतिकारियों का डर बैठाना, जो कि एक तरह का सही भी था। उस समय क्रांतिकारियों का काफी अच्छा खौफ रहता था ब्रिटिश सरकार के अंदर, उसको दोबारा से जागरूक कराना और उसे दोबारा से ब्रिटिश सरकार के दिलों में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो ये थी सही कहानी उद्धम सिंह की बारे में। और साथ ही हम ये भी बता देते हैं कि उद्धम सिंह और भगत सिंह की कई बातें एक दूसरे से मिलती भी हैं, जैसे कि जलियांवाले बाग का कांड। जलियांवाला बाग कांड में ही इन दोनों की क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई थी। दोनों ही धर्मभ्रष्ट नहीं थे, दोनों ही एकता में विश्वास रखते थे, और दोनों ने ही फांसी चढ़ने से पहले किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से साफ साफ इनकार कर दिया था। जहां आज हम भगत सिंह को मानते हैं, वहीं उसी मुकाबले आज उद्धम सिंह भी हैं, और जलियांवाले कांड के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।